अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज HD। मैं हूं हारिस अली शाह गिलानी। खबर शामिल करते हैं टंडवादम से। टंडवादम से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ साबिर अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडवादम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मिनी स्टेडियम में डिस्ट्रिक्ट सांगड़ आल गेम्स एसोसिएशन का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत कोआर्डिनेटर शहीद बेनजीर आबाद स्पोर्ट्स अली नवाज खालदी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सांगड़ अब्दुल रहीम राजपूत ने की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में 36 खेलों की एसोसिएशन के सेक्रेटरीज ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर्स का शहीद बेनजीर आबाद स्पोर्ट्स ने इजलास में शिरकत 36 खेलों की एसोसिएशन के सेक्रेटरीज ने सिंध गेम्स के हवाले से खिताब करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की बहाली लाजमी है और खेलों को ग्रास और रोड पर तरक्की की तरफ गामजन करना है। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरीज ने अपने अपने खेलों के शोबों में नौजवानों को आगे लाएं और इनको खूब प्रैक्टिस करवाएं ताकि सिंध गेम्स में डिस्ट्रिक्ट जानिब से अच्छे खिलाड़ी शामिल हों और डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो। इस इजलास में नेशनल प्रेस क्लब टंडवादम के सदर राशिद चौहान ने खसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट सांगड़ एसोसिएशन के सेक्रेटरीज ने टंडवादम स्पोर्ट्स क्लब मिनी स्टेडियम को खूबसूरत बनाने और इसको आबाद पर करने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सांगड़ अब्दुल रहीम राजपूत की खिदमात पर इनको खराज तहसीन पेश की।